सुख और दुख मिलता है। परीक्षित समझ गए कि महाराज आप साक्षात धर्मराज हैं, विशो ही भगवान धर्म, क्योंकि आपको पता है बुरे आदमी की बुराई करना भी अधर्म का भागी बनना है, इसलिए आप बुराई नहीं कर रहे हो। समझ में आ गया? पर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं महाराज, मारू। वो काला काला पुरुष शरण में आ गया, जैसे तलवार लेकर के दौड़े परीक्षित, वो काला काला पुरुष शरण में आ गया। और सज्जनों, भारत की संस्कृति रही है कि जो शरण में आ गया उसे अभयदान दे दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। ये भारत की संस्कृति रही है। परीक्षित ने कहा निकल जा मेरे राज्य से। वो काला काला पुरुष बोला महाराज चारों ओर तो आपका राज्य है, कहां जाऊं बताओ, चारों ओर तो आपका राज्य है, फिर रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। तो सज्जनों ध्यान से सुनना, कलयुग को कहां कहां रहने के लिए स्थान दिए। भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय का 38वां श्लोक, जिसमें चार स्थान दिए। सबसे पहले द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो। अब जुआ खेलने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो मेरे भाई, आज का व्यापार चौपट हो गया है सट्टे के चक्कर में, जुए के चक्कर में। हर आदमी रात रात में करोड़पति बनना चाहता है। कोई महाराज क्रिकेट का सट्टा खेल रहा है, तो कोई मार्केट में बाजार महाराज गुआर का, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई डब्बे का, कोई डब्बे का, पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे महाराज। पहले के व्यापारी लोग माल खरीदते थे, माल बेचते थे, तो घाटा भी लगता था, तो इतना लगता था कि वापस खड़े हो जाते थे। आज महाराज माल है ही नहीं, खरीद भी लिया बेच भी दिया और ऑन द मूव भी गिर गए। कोई कहे युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला, हम खेले तो क्या? युधिष्ठिर जी ने जुआ खेल करके हमें शिक्षा दी कि देखो कितनी मेहनत से महाराज मैंने घर बनाया, जुए की भेंट चढ़ गया, जुए की भेंट चढ़ गया घर। और घर की इज्जत होती है नारी, मरा मराया सा भी किसी का पति हो फूंक से उठ जाए एकदम ऐसे मरा मराया, उसकी पत्नी की ओर भी कोई आंख उठा के देखे तो महाराज वो आंख निकाल लाए। और जरा सोचो जिस द्रौपदी के पांच पांच पति एक से एक धुरंधर वीर, और उस द्रौपदी को बाल पकड़ करके खींच करके ला करके भरी सभा में खड़ा कर दिया, पर महाराज पांचों के पांचों पति चाय पति बन गए महाराज, बोल नहीं सके। किस कारण? जुए के कारण बोल नहीं सके महाराज, जुए के कारण। इसलिए भैया जुआ खेलने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, लेकिन जुए का अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। दूसरा द्यूतम के बाद में पानम, पानम मतलब पीना, समझ गए, काला पानी बोतल वंशी। पीने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो मेरे भाई, पर कलयुग उसकी बुद्धि पे सवार हो जाता है, फिर वो क्या बोलता है उसे कुछ नहीं पता। सामने माँ खड़ी है, एक बहन खड़ी है, एक बेटी खड़ी है, कोई पता नहीं उसको महाराज कौन खड़ा है सामने, क्योंकि कलयुग सवार हो गया। तीसरा स्त्री के माथे में कलयुग का वास होता है, कोई भी पर स्त्री को थोड़ी सी गलत दृष्टि से देखा, देखते ही उसके माथे का कलयुग निकला, तुम्हारे माथे पर बैठा, अब आगे तुम कुछ नहीं करोगे, वो सारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा महाराज। चौथा, जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास है, चाहे वो जीवों की हिंसा हो, चाहे वो रिश्तों की हिंसा हो मेरे भाइयों, वहां कलयुग का वास होता है। बाप और बेटे का रिश्ता है, बेटा अगर बाप का आदर नहीं करता, तू मैं करने लग जाता है, तो मेरे भाई उस घर में कलयुग आके रहने लग जाता है। सास और बहू का रिश्ता है, दोनों प्रेम से नहीं रहते, कलह करने लग जाते हैं, तो उस घर में कलयुग आकर के रहने लग जाता है। चार स्थान दिए। कलयुग हाथ जोड़ के कहता है महाराज छोटे छोटे कमरे खोल दिए, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, लुच्चा लफंगा लोफर चंट चालाक चतुर ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। महाराज कोई बड़ा सा स्थान दो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो ततो निदम मदम कामम।
रजो वैरम च पंचम। भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय का 39वां श्लोक, जिसमें पांचवा स्थान दिया किसमें? सोने में। सोना कौन सा? कौन सा सोना? वो जो 7-8 घंटे खर्राटे लेके सोते हैं वो सोना नहीं, वो पीला पीला सोना जो माताओं को बहुत प्रिय होता है। महाराज बड़ा प्रिय लगता है सोना, लगता है ना? उस सोने में कलयुग का वास है। कौन से सोने में? जो किसी का छीन करके लाया गया है, किसी का दबाया गया है। इसलिए कहते हैं सोना खोना भी बुरा, सोना मिलना भी बुरा। ये सोना सोना हराम कर देता है मेरे भैया। जो किसी का छीन करके लाया गया है, किसी का दबाया गया है, उस सोने में कलयुग का वास है। आप कहोगे हमने छीना नहीं है, दबाया नहीं है, तो हमारा जब विवाह हुआ था ना, तो हमारी सासू ससुर ने दिया। महाराज उसमें तो कलयुग का वास नहीं है ना? है। क्यों? आपने सासू की सेवा कितनी की? बोले मर जाऊं पानी भी नहीं पियूं, बस कलयुग का वास है। बिना सेवा के लिया हुआ सोना तुम्हारा सोना हराम कर देगा मेरे भैया। सेवा करके अगर पड़ोसी का भी धन ले लो तो पेट दर्द नहीं होगा, और बिना सेवा के अगर माँ बाप का भी धन लिया है तो वो पेट दर्द क्या पूरे बदन को दर्द कर देगा। ये बात भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 39वें श्लोक में महाराज बड़े स्पष्ट रूप में कही है। क्योंकि सोने में कलयुग का वास बताया है, जो किसी का छीन के लाया गया है, किसी का दबाया गया है। आप कहोगे महाराज हमारे घर में कलयुग नहीं है, क्यों? बोले जब देवर की शादी हुई ना, तो सासू ने पूरा सोना हमारा उतार करके देवरानी के डाल दिया। अब कलयुग तो देवरानी पे जाके बैठ गया। अब देवरानी जाने सासू की सेवा जाने, हमारे पास तो जो भी है हमने मेहनत से कमा के बनाया है, नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? मकान तो मिला है बंटवारे में, जमीन तो मिली है। बोले हाँ महाराज वो तो हमारे हिस्से में आई है। एक बात ध्यान रखना, सोना और संपत्ति दोनों बराबर होते हैं। किसकी बहु बिना माँ सास ससुर की सेवा के उस कलयुग के प्रभाव से बच सके? आज महाराज घर घर में कलह हो रही है, उसका कारण यही है कि संपत्ति तो बेटे को भी चाहिए, बहु को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए। संपत्ति तो सभी को चाहिए, लेकिन सेवा कोई नहीं करना चाहता। धन के तो सब रखवाले हैं, लेकिन धनी का रखवाला कोई नहीं है। यही कारण है मेरे भाई आज घर घर में कलह हो रही है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, राम कहां से लाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? जय हो। जय जय श्री राधे। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? हर घर में कलयुग बैठा है। क्यों? क्योंकि हम माँ बाप की सेवा नहीं करते। आप कहोगे महाराज सेवा तो करें, हमारा मन है सास ससुर की सेवा करें। समस्या क्या है कि महाराज क्या बताएं, सासू गालियां बहुत देती है, ससुर भी गालियां देता है, सास भी गालियां देती है, अब बताओ उनकी सेवा करें? अच्छा एक बात बताओ, सोना तुमने लिया,
घर तुमने लिया, खेत जमीन तुमने ली, उनका बेटा भी तुमने ले लिया, अब गालियां कौन पड़ोसी लेने जाएगा क्या? अगर गाली देते हैं तो ये सोच लो उस संपत्ति का ब्याज दे रहे हैं। शांति से सुन लो, मैंने आपको बताया था ना कल, अगर हमारी भावना सच्ची है, अच्छी है, तो माँ बाप की गाली हमें लगेगी नहीं, वो गाली भी आशीर्वाद बन जाएगी। और हमारी अगर भावना झूठी है तो हम चाहे कितना ही मीठा मीठा बोले, माँ बाप चाहे कितना ही आशीर्वाद दे, वो आशीर्वाद लगने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई, सास ससुर चाहे कैसे भी क्यों ना हो, बहु बेटे का कर्तव्य है उनको माँ बाप समझते हुए उनकी सेवा करे। और सास ससुर का कर्तव्य है कि बहु बेटे जैसे भी हैं लेकिन उनको अपनी बेटी और बेटा समझ करके उनसे प्रेम करे। अगर सासू की बात का बुरा लगे तो ये सोचो कि हमारी माँ भी तो हमें डांट देती थी, हमने कभी बुरा माना क्या? बहू को ये सोचना चाहिए, अरे माँ तो थप्पड़ भी मार देती थी, कौन सी बेटी घर छोड़ करके गई, थप्पड़ खा के भी वहीं रही, तो सासू भी तो माँ ही है। बच्चों को ये सोचना चाहिए, अरे माँ बाप हमारे हैं तब डांटते हैं ना, और खुश रहना चाहिए। और बड़ों को ये सोचना चाहिए, सास ससुर को, कि भाई बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन बूढ़े थोड़ी करेंगे, हम भी जब बच्चे थे तो खूब गलतियां की हैं, तो बहू गलती कर रही है, बेटे गलती कर रहे हैं, तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को तुपात, उन्हें महाराज क्षमा करना चाहिए, बच्चों को क्षमा करना, ये बड़ों का बड़प्पन है। और इस तरह मेरे भाई प्रेम से रहना चाहिए। कलयुग को 5 स्थान मिले, एक दिन जरासंध के यहाँ से छीन के लाया हुआ मुकुट पहन कर